नमस्कार, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ और मैं रितिका राजपूत। इस वक्त हम मौजूद हैं बीजेपी कार्यालय में। यहाँ पे हमारे साथ रविंदर रैना जी भी हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे, सर चार राज्यों में आपकी सरकार बनी है, बड़ा टफ कंपटीशन था इस बार क्योंकि दूसरी जितनी भी पार्टीज थी उनका कहना था कि बीजेपी की सरकार कोई कंपटीशन नहीं था। प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी ने चारों राज्यों में ज़बरदस्त जीत हासिल की है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में अपने बलबूते भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला है। उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड तोड़ बहुमत मिला है, उत्तराखंड में, गोवा में और मणिपुर में भी ज़बरदस्त जीत हुई है। मोदी जी और योगी जी के मुकाबले में उनकी टक्कर में कोई नहीं है। जनता ने, जो मोदी साहब ने जनता की भलाई के काम किए, जनता ने वो वोट दिए। तो सर, जम्मू कश्मीर में आने वाले समय में किस प्रकार की स्ट्रेटजीज रहेंगी, यहाँ पे इलेक्शंस को लेके क्या कुछ आपकी तैयारियाँ, बीजेपी की सरकार की क्या तैयारी यहाँ पे रहेंगी? जम्मू कश्मीर में भी चूंकि अब डिलिमिटेशन कमीशन अपने आखिरी दौर की कार्रवाई में जुटा है, बहुत जल्द डिलिमिटेशन कमीशन अपनी यहाँ कार्रवाई पूरी करेगा और आप देखेंगे कि जम्मू कश्मीर में भी यहाँ असेंबली के चुनाव होंगे और यकीनन यहाँ भी बीजेपी की सरकार होगी। मिशन 50 प्लस जो भारतीय जनता पार्टी का है वो लेकर हम जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। मोदी साहब ने जो जम्मू कश्मीर की जनता की भलाई के काम किए, मजदूर, किसान, गांव के, शहर के, पहाड़ के, मैदान के, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, गुजर, बकरवाल, गद्दी, सिपी, पहाड़ी कबीले के लोग, रेफ्यूजी, वेस्ट पाकिस्तानी, POJK, समाज के हर वर्ग का भला मोदी साहब ने किया है। जम्मू के डोगरों का भला, कश्मीर घाटी के लोगों का भला, समाज के हर वर्ग के लिए मोदी साहब ने बहुत मेहनत से काम किया है। तो सर, एक सवाल पूछना चाहूंगी, आने वाले समय में उम्मीद कर सकते हैं जम्मू कश्मीर में जितने भी इश्यूज चल रहे हैं बीजेपी सरकार बनने के बाद सफल होंगे? धीरे धीरे हम चाहे डेली वेजर्स के मामले हैं वो हल कर रहे हैं, हमने बिजली डिपार्टमेंट के 12,000 जो डेली वेजर्स थे उनको परमानेंट करने के अध्यादेश LG एडमिनिस्ट्रेशन ने दिए हैं। बाकी के डेली वेजर्स को लेके मैं खुद गवर्नर साहब के पास गया था, उनके मामले भी हल करेंगे। SRO 202 को हमने ख़त्म किया, सर्वशिक्षा अभियान हो या राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान रमसा के तहत जो टीचर्स की भर्ती की गई थी वहाँ पोस्ट्स नहीं थी, अगेंस्ट द पोस्ट था सारा मामला, वो हमने ठीक किया। 35,000 विलेज डिफेंस कमेटी के मेंबर्स की बहुत पुरानी मांगे वो हमने पूरी की। जम्मू के डोगरों का भला, कश्मीर घाटी के लोगों का भला, समाज के हर वर्ग के लिए मोदी साहब ने बहुत मेहनत से काम किया है। तो सर, एक सवाल पूछना चाहूंगी, आने वाले समय में उम्मीद कर सकते हैं जम्मू कश्मीर में जितने भी इश्यूज चल रहे हैं बीजेपी सरकार बनने के बाद सफल होंगे? धीरे धीरे हम चाहे डेली वेजर्स के मामले हैं वो हल कर रहे हैं, हमने बिजली डिपार्टमेंट के 12,000 जो डेली वेजर्स थे उनको परमानेंट करने के अध्यादेश LG एडमिनिस्ट्रेशन ने दिए हैं। बाकी के डेली वेजर्स को लेके मैं खुद गवर्नर साहब के पास गया था, उनके मामले भी हल करेंगे। SRO 202 को हमने ख़त्म किया, सर्वशिक्षा अभियान हो या राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान रमसा के तहत जो टीचर्स की भर्ती की गई थी वहाँ पोस्ट्स नहीं थी, अगेंस्ट द पोस्ट था सारा मामला, वो हमने ठीक किया। 35,000 विलेज डिफेंस कमेटी के मेंबर्स की बहुत पुरानी मांगे वो हमने पूरी की। इसी प्रकार अन्य अन्य क्षेत्रों में, जिलों में, विधानसभाओं में, बॉर्डर के एरिए में, पहाड़ में, मैदान में, जम्मू में, कश्मीर में डेवलपमेंट के काम, सड़कें, स्कूल, हॉस्पिटल, बिजली, पानी, आप देखें कितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स मोदी साहब ने यहाँ दिए। कोरोना काल में फ्री राशन घर घर में मोदी साहब ने पहुँचाया, कोरोना महामारी को ख़त्म करने के लिए फ्री वैक्सीनेशन मोदी साहब ने करवाई। तो मोदी साहब एक बहुत ही एक फ़कीर आदमी हैं, उन्होंने जनता की जो भलाई की है उसका यकीनन लाभ भारतीय जनता पार्टी को यहाँ चुनावों में मिलेगा और 50 से ज़्यादा सीटें जीतकर जम्मू कश्मीर में भी बीजेपी की सरकार बनेगी और जम्मू कश्मीर का अगला चीफ मिनिस्टर जो होगा वो भारतीय जनता पार्टी का होगा। यानी कि पूरी श्योरिटी है सर आपको कि बीजेपी के ही CM यहाँ पे हमें मिलने वाले हैं और सरकार जो है बीजेपी की 100%। जिस तरीके से मोदी साहब ने समाज के हर वर्ग का भलाई का काम किया है, मोदी साहब ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास इस मिशन के साथ जनता का भला किया है, तो यकीनन जनता भी मोदी साहब को वोट देगी, बीजेपी को देगी और
फिर बीजेपी का मुख्यमंत्री हो गए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जैसे आपने देखा कि श्री रविंदर रैना जी की तरफ से ये बताया गया कि आने वाले समय में जो इलेक्शंस होने वाली हैं उन इलेक्शन में यहाँ के जो भी प्रतिनिधित्व जो चुने जाएंगे वो बीजेपी के ही होंगे, ऐसा इनका कहना। और साथ ही जो इश्यूज़ यहाँ पे जम्मू कश्मीर में चल रहे हैं उन इश्यूज़ को सॉल्व भी किया जाएगा, ऐसे भी कुछ इनकी तरफ से बात निकल के बाहर आई है। अब ये तो देखने वाली बात रहेगी कि कितनी जल्दी जम्मू कश्मीर में जितने भी इश्यूज़ चल रहे हैं उन्हें सरकार जो है जो काफ़ी समय से चलते आ रहे हैं, लोग परेशान हैं, सड़कों पे हैं, उन्हें कितनी जल्दी सॉल्व किया जाता है। जो भी इनके रिगार्डिंग अगर डिसीजन पहले ही आ जाता है वो भी आप तक पहुंचाएंगे, अगर उसमें कुछ डिले पहले की तरह जो हो रहा है वैसे रहेगा वो भी हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। अब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।